खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में गेहूं खरीद को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि किसानों का सर्वोगीण विकास हमारी जिम्मेदारी है, मंडियों में आने वाले किसानों को उनके अनाज का भुगतान समय पर किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि किसानों को मंडियों में आने जाने में परेशानियां नहीं हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि विभागीय अधिकारियों के जरिए आगामी फसल देखभाल और खराब मौसम से बचाव के तरीके बताए जाएंगे, साथ ही उनसे संबंधित योजनाओं की भी जानकारी दी जाए। हनुमानगढ़ से राजरतन पारिक की रिपोर्ट।